so fragile, like it was built. Be lost and changed for something new. Only time will tell. Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. तो आज हम बात करेंगे अपने फ़ोन के रिव्यू के बारे में. जो कुछ ही दिन पहले मैंने फ़ोन लिया था, वीवो वाई 83. आई विल बी टेलिंग द एक्सपीरियंस जो मेरा दो तीन हफ्ते से मैंने इसको देखा है, मतलब मैंने यूज़ किया, इसके फीचर्स, इसके जनरल फीचर्स वगैरह और वो सारी स्पेसिफिकेशंस जो इसकी हैं उसके बारे में मैं बोलूँगा. एंड आई विल बी गिविंग द बोथ ओपिनियंस अबाउट द गुड फीचर्स एज वेल एज द जो कुछ कुछ बैड फीचर्स, मतलब जो कुछ कुछ मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लगी तो मैं वो भी बोलूँगा. तो आप वीडियो देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए. आई विल बी गिविंग द ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस फ़ोन. तो ये हमारा वीवो वाई 83 आपके सामने, बहुत ही अच्छा फ़ोन. ऑल न्यू फुल वेव डिस्प्ले, नॉच स्क्रीन फीचर जो कि नया है. चले चलते हैं, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है साथ में. तो अनबॉक्स करके सबसे पहले हमें मिलता है एक छोटा सा बॉक्स जिसमें हमें एक कवर मिलता है, ट्रांसपेरेंट कवर जो कि प्रोटेक्शन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं. और ये ट्रांसपेरेंट है सो दैट वी कैन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में हम पीछे से कोई मोटिवेशनल कोट वगैरह पेपर चिपका के थोड़ा अपने फ़ोन को कूल बना सकें. उसके बाद ही हमें मिलता है एक पिन जो कि सिम लगाने और वो सब SD कार्ड वगैरह वगैरह लगाने में, आई डोंट नो इज देयर एनी स्पेशल टर्म फॉर इट, वो मिलता है. उसके बाद मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड और उसके बाद मिलता है इम्पोर्टेंट गाइडेंस और वारंटी कार्ड जिसका फॉर्म पीछे से होता है और वो फिल करके आप मतलब अपनी वारंटी स्टार्ट कर सकते हैं. विद इन वन मंथ उन्होंने मुझे रिटर्न के लिए बोला था. देखें दैट यू कैन रिटर्न इफ एनी टेक्निकल डिफ़िकल्टी यू फील. और चलते हैं अब अपने फ़ोन में हमें सबसे पहले सिंपल सा एक फ़ोन दिखता है, बहुत ही फिनिश्ड फ़ोन एक छोटे से पॉलीथीन में. अब जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, ये तो ये मैंने ऑन रखा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना फिनिश्ड फ़ोन है. ये पीछे से गिलास है इसके, मतलब सिंपल एक गिलास की लेयर जैसी. साथ में इसके मिलता है हमें एक ईयरफोन जो कि काफ़ी सिंपल से ईयरफोन है. इसमें एज़ यूजुअल जैसे आजकल बड्स वगैरह और गुड बेस मिलता है वो है नहीं. साथ में USB लीड एंड अ टर्बो चार्जर जिसके 50% आप 10-15 मिनट में आपके 50% चार्ज कर सकते हैं. और इसका जो USB है वो आप ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र एक्सेट्रा के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि कितने आइटम्स इसमें मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स आपको मिलते हैं साथ में. और जो ये हमारा फ़ोन है ये नॉच स्क्रीन है जो कि मतलब ऊपर से नीचे तक. साइड में इसके दो बटन, वॉल्यूम एंड स्विच ऑफ ऑन, और सामने सेंसर लगा हुआ है और पीछे से सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंटिंग और कैमरा रेयर. और इसकी फिनिशिंग बैक साइड में ये गिलास का लेयर होता है जो कि बहुत ही कूल लगता है. अंदर से इसके आता है हमें स्लाइड करने पे, नीचे से स्लाइड करने पे सारे फीचर्स दिखते हैं. ये हमारा सारा फ़ोन है, आप देख सकते हैं पूरा नॉच स्क्रीन है, ऊपर से नीचे तक आप पूरा देख सकते हैं जो कि आज का आईफोन का एक नया फीचर है. आप देख सकते हैं कि एक नया फीचर है जो आईफोन X का है जी. इसका रेजोल्यूशन 720x1520 पिक्सल्स है, स्टोरेज 64 GB विच कैन बी एक्सपेंडेड टू 264 विद एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड SD, जो SD कार्ड आप लगा सकते हैं. और नीचे से स्लाइड करने पे आपके सारे फीचर्स आ जाएंगे. स्क्रीन कैप्चर आएगा जो कि इसका इनबिल्ट फीचर है. स्क्रीन रिकॉर्डर भी इसी में है जो कि इनबिल्ट है, जिसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. और साथ में ही आपको आई प्रोटेक्शन, टॉर्च वगैरह सब कुछ जितने जो कि बाकी फ़ोन्स में भी एज़ यूजुअल मिलता ही है वो सब में आपको मिलेगा. और इसका जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो है एंड्रॉयड का जो इसका मतलब स्पेसिफिकेशन जो इसकी मेन है
वो एंड्रॉयड ओएस एंड्रॉयड 8.0, रैम 4 GB विच इज़ गुड फॉर गेमिंग एंड स्टफ़, और जो भी हेवी हेवी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद भी आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग नहीं होगा। 13 MP रेयर कैमरा है इसका, और 8 MP फ्रंट कैमरा है इसका। स्टोरेज 64 GB, 3260 mAh इसका चार्जिंग कैपेसिटी है, बैटरी कैपेसिटी है। और इसकी जनरल जो स्पेसिफिकेशंस है, ये मतलब मई 2018 में ये लॉन्च हुआ था। टच स्क्रीन काफ़ी बहुत ही अच्छा, मतलब लाइक 3 कलर्स में आपको अवेलेबल मिलता है, और आपका इसका कवर भी साथ में मिलता है, जो कि बहुत ही एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत अच्छा है। एयरफोन्स ठीक ठाक हैं, कुछ खास लाइक बेस वगैरह नहीं, ठीक ठीक बेस है। लाइक आई डोंट यूजुअली यूज़ इट, तो इसको मैंने ऐसे ही बॉक्स में रखा हुआ है, सो बिकॉज़ आई डोंट यूज़ देम। तो काफ़ी अच्छे हैं इसके कंपैरिजन में, जितने भी मैंने पुराने जितने भी फ़ोन देखे उसके लिए, उसके हिसाब से इसको कंपेयर करके मैं देखता हूँ आज, तो ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। और ये हमारा पहला जो मैंने फ़ोन यूज़ किया था, माइक्रोमैक्स Q36, कुछ ऐसा ही है मॉडल, Q36 3G फ़ोन जिसमें सिम्स वगैरह भी आते हैं। और ये टाइजन का सैमसंग जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने यूज़ किया नोकिया 2, जो बहुत ही अच्छा था। इसकी एक ही बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इसका वेट थोड़ा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा वेट भी था, और उसके बाद जब कवर लगाए तो और ज़्यादा वेट बढ़ता था। तो आज के लिए आज मैं यूज़ कर रहा हूँ वीवो, तो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने नया फ़ोन लिया है, वीवो Y83, जिसका एक बहुत ही बड़ा, मतलब आई मीन छोटा सा फॉल्ट मुझे लगा कि मतलब वैसे तो वेट वगैरह सब कुछ जितने भी फीचर्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो ठीक है, बट इसकी एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि जो सोशल मीडिया पे जब हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें पिक्सल्स इसके ब्रेक हो जाते हैं। आई डोंट नो कि ये क्या प्रॉब्लम है, या तो इसके फुल स्क्रीन की वजह से या किसी और की वजह से। और बाकी जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक इसके आईफोन की तरह ही है, जस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ iPhone X, बिल्कुल मतलब नीचे से सेम वो स्पीकर का जो सिस्टम है वो नीचे से है, जस्ट लाइक iPhone X, एंड साथ में चार्जर की पिन एज वेल एज ऑल द पिन्स, लाइक मतलब ईयरफोन लगाने का पिन और ब्लूटूथ वगैरह अगर आप यूज़ करते होंगे वो सब। तो कंपेयर करके हमें यही पता चलता है कि डे बाय डे द थिंग्स गेट वेरी एडवांस्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने आईफोन, जस्ट लाइक आईफोन है, बिल्कुल कॉपी है iPhone X का ये, और लाइट वेट भी है काफ़ी। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट माई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। Should fuck her in the best, yeah.